Hello and welcome to Newsclick. Today we have with us Mr. Akhil Gogoi, RTI activist and founder secretary of Krishak Mukti Sangram Samiti. Thank you for joining us. You were detained under the NSA. So what were the charges and what is the status of whatever's been going on? So, देख लीजिए NSA का जो है ये तो मेरा ऊपर बहुत जितना पुराना केस है मेरा ऊपर 119 केसेस तो जितना केस है तो पुराना केस को लगा के NSA डाल दिया था पहले डिटेन किया था एक केस में सेडिशन लगा दिया था एक जनसभा हुआ था जहां मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 जो लागू करने के लिए अभी आरएसएस बीजेपी ने कोशिश कर रहा है इसका खिलाफ हम लोग एक मूवमेंट चला रहा हूँ इसका खिलाफ असमीज लोग सारा असम का जो लोग है सब इकट्ठा हो गया था तो इसका खिलाफ हम लोग का एक रैली था रैली ने मैंने कुछ बोल दिया था गवर्नमेंट का खिलाफ कुछ बोल दिया था तो उसने मुझे बुक कर लिया था इसका बाद पुराना कुछ केस लगा के और बोला था कि मैं मेरा अल्फा का साथ रिलेशन है माओवादी का साथ रिलेशन है एनएसएन का साथ रिलेशन है ऐसे कुछ ये लाके उस लोगों ने मेरा ऊपर एनएसए लगा दिया था देख लीजिए क्या हुआ जो मीटिंग था इसमें वो जो फो तक जो अल्फा लोग है उस लोग भी गया था तो उस लोग हम लोग का वो मीटिंग में गया था उसने भी कुछ बात बताया था भाषण दिया था लेकिन देख लीजिए अल्फा का साथ हम लोग का पूरा डिफरेंस है तो अल्फा तो आप लोग जानते हो कि वो सॉवरेनिटी मांगता है हम लोग कभी सॉवरेनिटी नहीं मांगता हूँ हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है 371A असम के लिए स्पेशल स्टेटस देना चाहिए जैसे आप जानते हो कि 370 जो कश्मीर के लिए 371A नागालैंड के लिए जो स्पेशल स्टेटस है इसको मांग करके हम लोग इतना दिन आंदोलन चलाया था तो अभी क्या हुआ गवर्नमेंट ऑफ असम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गया है नॉर्थ ईस्ट का जो 8 स्टेट्स है और सारा इंडिया का टोटल 12 स्टेट का जो स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस था इसको हटा दिया तो इसीलिए हम लोग का जो फान क्राइसिस अभी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि हम लोग का डेवलपमेंट नहीं है हम लोग का ये जो 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 हम लोग का जो आंतोगाथनी का काम होने वाला था ये सब नहीं हुआ है इसीलिए हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है आंतोगाथनी का जो प्रॉब्लम है जो डेवलपमेंट का जो प्रॉब्लम है इसीलिए हम लोग का जो विकास के लिए हम लोग जो डिमांड कर रहा हूँ और स्पेशल कैटेगरी के लिए जो डिमांड कर रहा हूँ और स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर हम लोग के लिए जो स्पेशल स्टेटस हम लोग मांग कर रहा हूँ बीजेपी और आरएसएस इसका खिलाफ है बीजेपी और आरएसएस फेडरलिज्म का खिलाफ है तो बीजेपी और आरएसएस ने अभी जो जीएसटी लगा दिया तो स्टेट का जितना इकोनॉमिक जो ये था ना जो इंडिपेंडेंस था ये ख़त्म हो चुका है तो हम लोग इसका खिलाफ हूँ हम लोग बोल रहा हूँ कि असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जो फेडरल स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का जानकारी होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हम लोग का पूरा सारा भारत का लोगों का लीडर्स का लोगों का जो मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हम लोग बोलता हूँ 3 इयर्स का जो डिबेट हुआ था इसमें नॉर्थ ईस्ट लोग साउथ का लोग और उड़ीसा का लोगों ने डिमांड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होना चाहिए लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा यूनिटरी बना दिया इसका खिलाफ हम लोग लड़ा था हम लोग बोला था कि असम का जो ऑयल है क्रूड ऑयल तब तक 1950 तक क्रूड ऑयल सिर्फ असम में ही मिला था असम का जो ऑयल है इसका हक असम का लोगों का होना चाहिए इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है इसका स्टेट लिस्ट में ये देना चाहिए क्रूड ऑयल लाइमस्टोन कोल ऐसा सब कुछ हम लोग का स्टेट लिस्ट में देना चाहिए इसको यूनियन लिस्ट में नहीं डालना चाहिए इसके लिए हम लोग फाइट किया था लेकिन हम लोग का जो डिमांड था इसको नहीं माना तो ऐसे अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया है वो तो आके पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जीएसटी लगा दिया
तो मोदी तो पूरा हिटलर जैसा लोग बन गया है, तो उस लोगों ने एक दिन में डिमोनिटाइजेशन का डिसीजन ले लिया है, एक दिन में जीएसटी का डिसीजन ले लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर का जो बात है ना इसको ख़त्म कर चुका है। इसीलिए इसका खिलाफ हम लोग का लड़ाई चल रहा है। अल्फा ने सॉवरेंटी का लड़ाई कर रहा है, हम लोग सॉवरेंटी का जो डिमांड है इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। अल्फा का जो लड़ाई है ये अमस्ताबुल का लड़ाई है, हम लोग का जो लड़ाई है ये पूरा गांधी जी का जो रास्ता है, गांधी जी पर चलता है। इसीलिए अल्फा के साथ हम लोग का भारी डिफरेंस है, काम का भी डिफरेंस है, लाइन का भी डिफरेंस है, पॉलिटिक्स का भी डिफरेंस है, इडियोलॉजी का भी डिफरेंस है। और इसीलिए कब कब तो ऐसा भी होता है कि अल्फा का साथ हम लोग का डिबेट भी होता है, झगड़ा भी होता है, ऐसा चलता चल रहा है। देख लीजिए जो नेशनल ट्रेडिशनल जो नेशनल मीडिया है उस लोग जो न्यूज़ फैला रहा है ये सच्ची नहीं है। नेशनल जो ट्रेडिशनल मीडिया है ये टीवी हो तो प्रिंट मीडिया हो, उस लोगों ने जो फैला रहा है ये पूरा कम्युनल चीज़ को फैला रहा है। आज ममता बनर्जी ने जो फैला रहा है ये भी मेरा विचार से ये सच्ची बात नहीं है। तो देख लीजिए आसाम का जो माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, 1912 से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। तो जो ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया था, जो टी गार्डन बना दिया था, टी गार्डन का अपर आसाम का जितना हाई लैंड है ना सबको ब्रिटिश स्टार्टिंग पूंजी को दे दिया था। तो इसका बाद क्या क्या ये टी गार्डन के लिए पूरा आदिवासी लोगों को माइग्रेट कर लिया, क्योंकि जो इंडिजिनियस लोग है उस लोग लेबर करने के लिए, वर्कर्स होने के लिए प्रस्तुत नहीं था। तो ये एक बहुत झटका था, एक डेमोग्राफिक पैटर्न अपर आसाम में हो गया था। लेकिन अभी आदिवासी लोग हम लोग का पूरा वाई बन गया है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट बन गया है, हम लोग इंडिजिनियस बोलता हूँ, आदिवासी लोग हम लोग का अभी इंडिजिनियस लोग बन गया है। दूसरा जो माइग्रेशन का जो वेव था, ये वेव था कि जूट मिल के लिए। तो ब्रिटिश लोगों का जो बंगाल में जूट मिल था, इसके लिए जो जूट चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, तो ये जूट कल्टिवेशन के लिए आप जो ब्रिटिश लोग देन चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम कॉटन साहब जो है ना, कॉटन साहब ने एक प्लान किया था कि कॉलोनाइजेशन स्कीम लगा दिया था कि आसाम का जितना रिवरलाइन एरिया है, शॉरलैंड है, शॉरलैंड को ईस्ट बंगाल का जो मुस्लिम लोग है उस लोग को देने के लिए और उस जगह में जूट कल्टिवेशन लगाने के लिए एक माइग्रेशन शुरू कर दिया था। तो इसीलिए बहुत लोग ईस्ट बंगाल से आ गया है। अभी जिस लोग को हम लोग मियाँ बोलता हूँ ना, मियाँ जो पॉपुलरली जो जिस लोग को मियाँ बोलता हूँ, माइग्रेटेड मुस्लिम पीपल, तो उस लोग आ गया था ब्रिटिश लोगों का ये प्लान में। तो उस लोग आके पूरा जो हम लोग का फर्टाइल लैंड है, ब्रह्मपुत्र का आसपास जो फर्टाइल लैंड है, ये लैंड को दे दिया हुआ था। तो इसीलिए आसाम का जो पॉलिटिकल डेमोग्राफिक पैटर्न ये चेंज हो गया था। आप लोग का जानकारी होगा कि आसाम का फर्स्ट गवर्नमेंट 1937 में जो फर्स्ट गवर्नमेंट हुआ था, ये गवर्नमेंट मुस्लिम लीग का था, क्योंकि जो माइग्रेटेड मुस्लिम लोग बहुत भारी रूप से आ गया था। इसीलिए 1912 से माइग्रेशन का खिलाफ असमिस इंडिजिनियस पीपल का और असमिस मिडिल क्लास का इंटेलिजेंसिया का एक मूवमेंट शुरू हो गया था। 1912 से जो शुरू हुआ था आज तक ये मूवमेंट है। 1915 में पार्लियामेंट में एक नया एक्ट लाया था जहाँ में लिखा था कि अनडिजरेबल इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम एक्ट, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। तो फॉरेनर्स को हटाने के लिए एक पार्लियामेंट में इंडियन पार्लियामेंट में एक नया एक्ट लगाया हुआ था। तो इसके बाद 1964 से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल लगा दिया उस लोग को हटाने के लिए। 1951 में एनआरसी, फर्स्ट टाइम इन इंडिया एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, सिर्फ आसाम के लिए लगाया हुआ था। ये सब इसीलिए हुआ था कि आसाम में बहुत भारी इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है। तीसरा है कि आसाम मूवमेंट
1979 से 1985 तक 6 ईयर्स का जो मूवमेंट है, ये भी वर्ल्ड फेमस मूवमेंट है, इमिग्रेशन का खिलाफ, इन्फिल्ट्रेशन का खिलाफ, फॉरेनर्स का खिलाफ। इसीलिए असम का जो ट्रेडिशन है, असम का इंडिजिनियस लोगों का जो डिमांड है कि ये जो इमिग्रेशन है इसको अच्छा से डील करना पड़ेगा और नया कोई इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए 1985 में जो असम एक्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ, तो इसमें लिखा हुआ था कि 1971 का बाद कोई लोग नहीं आ पाएंगे असम तक, फॉरेनर्स लोग। तो इसलिए ये कॉन्शंसस है कि बाहर से ये इमिग्रेशन नहीं आना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, उस लोग कुछ नहीं किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि नहीं, जल्दी से जल्दी एनआरसी बनाना चाहिए, जल्दी से जल्दी कौन सिटीजन है और कौन सिटीजन नहीं है इसका लिस्ट बनाना चाहिए, इसका बाद किसको हटाना है इसके लिए बांग्लादेश का साथ और दूसरा फॉरेन कंट्री का साथ एग्रीमेंट होना चाहिए और इसके बाद डिपोर्टेशन होना चाहिए। इसीलिए ये मानना पड़ेगा कि एनआरसी सारा असामीज लोगों का, सारा असामीज लोगों का, इवन माइग्रेटेड पीपल का भी ये एक सेफगार्ड जैसा है। एनआरसी नहीं होने से जो इंडिजिनियस पीपल और माइग्रेटेड पीपल का जो झगड़ा है ये बढ़ जाएगा। तो एनआरसी होने से कौन लोग 1970 का पहला का है ये इसका पूरा लिस्ट बन जाएगा और हम लोग का जो इमिग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, हम लोग का जो टेंशन है, एथनिक क्लिंजिंग चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए एनआरसी हम लोग के लिए, सबके लिए एक कॉन्शंसस है। हम लोग सब मिल के हम लोग एनआरसी बना रहा हो। लेकिन नेशनल मीडिया में बेसिकली जो प्रिंट मीडिया है और इंडिया का जो ये मीडिया है, टीवी लोग है, उस लोग अच्छा से डील नहीं कर पाए और अच्छा से नहीं समझा है, इसीलिए उस लोग वो जोत बात फैला रहा है। एनआरसी हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। हम लोग एनआरसी बना रहा हूँ और एनआरसी के बाद हम लोग का जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम, इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम, ये कम हो जाएगा। लीजिए, बीजेपी जब आ गया है, मेरा जो कम्युनिटी है, हम लोग 1228 में आया था। हम लोग असम का सबसे बड़ा डायनेस्टी है, तो आहोम लोग है ना, तो हम लोग 1228 में आया था। इसका पहले असम ने मुस्लिम लोग था, 1205 से मुस्लिम लोग था। लेकिन अभी बीजेपी और जो बीजेपी और आरएसएस का जो गवर्नमेंट है, उस लोग ये झूठ बात फैला रहा है कि ये जो असम का जो मुस्लिम लोग है, ये मुस्लिम लोग 100% उस लोग बोल रहा है 3% ही इंडिजिनियस मुस्लिम है, दूसरा सब लोग फॉरेनर्स है। लेकिन ये झूठ बात है। उस लोग क्या क्या है, ये जो कम्युनल फैसिज्म है ना, इसीलिए मुस्लिम का खिलाफ प्लानफुली एक्शन कर रहा है। उस लोग क्या कर रहा है देख लीजिए, एविक्शन ड्राइव चला रहा है। देख देख के मुस्लिम जहां में बैठ रहा है ना, तो यहां में क्या किया, बहुत एविक्शन ड्राइव किया, वो मोकन तोड़ दिया। तो मुस्लिम का ऊपर बार बार ये आरोप लगाया कि उस लोग ये उस लोग इमिग्रेटेड मुस्लिम लोग है, ये लोग फॉरेनर्स है, उस लोग इंडिया के लिए उस लोग का ये नहीं है, तो उस लोग बाहर का लोग है, उस लोग को यहाँ से हटाना चाहिए। इसीलिए उस लोग का ये भी ऐसा भी एक थ्योरी लाया है कि अभी असम में मुस्लिम लोग ज़्यादा हो गया है, माइग्रेटेड पीपल ज़्यादा हो गया है, इसीलिए चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए बांग्लादेश से हिंदू लोग लाना पड़ेगा। तो ऐसा थ्योरी लगा दिया। तो ऐसा थ्योरी लगा के असम का सबसे कम्युनल जो फेस है, हिमंत बिश्व शर्मा, असम का जो कम्युनल फेस है, असम का जो चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी और असम का जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है, उस लोगों ने बार बार बोल रहा है कि ज़्यादा मुस्लिम आ गया है, असम खत्म हो चुका है मुस्लिम का एग्रेशन के लिए, इसीलिए हम लोग बांग्लादेश से हिंदू लोग लाना पड़ेगा, इसीलिए उस लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लगाया है। हम लोग ये बोल देता हूँ, देख लीजिए, इंडिया में जो हिंदू राष्ट्र बनाने का उस लोग का प्लान है,
ये प्लेन का आधार में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 को खड़ा किया है। इसमें लिखा हुआ है कि नया जो अमेंडमेंट आएगा इसका बाद इलीगल माइग्रेंट्स का जो डेफिनेशन है ये खत्म हो जाएगा। तो उस लोग इलीगल माइग्रेटेड पीपल नहीं होगा, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर नहीं होगा, जो लोग पाकिस्तान से आएगा, जो लोग अफगानिस्तान से आएगा, जो लोग बांग्लादेश से आएगा और जो लोग मुसलमान नहीं होगा, मुस्लिम नहीं होगा। तो बोला है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो माइनॉरिटी पीपल है, दैट मीन्स नॉन मुस्लिम पीपल है, उस लोग अनंत काल के लिए, भविष्य के लिए तो वो लोग आ पाएंगे। उस लोग का हाथ में कुरान नहीं होना होगा, गीता होना होगा। जब गीता लेके आ जाएगा बाउंड्री तक तो आसाम में आ पाएगा। और उस लोग ने 28 अगस्त 2016 में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि जो लोग बांग्लादेश से आएगा, जो लोग पाकिस्तान से आएगा, जो लोग मुस्लिम नहीं होगा, इस्लाम नहीं होगा, रिलीजन इस्लाम नहीं होगा, उस लोग आके आसाम में ज़मीन खरीद कर पाएंगे। उस लोग आके जब आएगा गवर्नमेंट ज़मीन देगा, उस लोग बिजनेस कर पाएगा, उस लोग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो ये है ना, ये सब दे देगा। और आफ्टर सिक्स ईयर्स जब बांग्लादेश से एक हिंदू लोग आएगा, छः साल जब बैठेगा, 6 साल का बाद उस लोग के लिए सिटीजनशिप दे देंगे। और सिटीजनशिप मिलने के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ का एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऐसे उस लोग बांग्लादेश से 1,90,00,000 बांग्लादेशी हिंदू पीपल को लाने के लिए कोशिश किया है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। दूसरा है कि नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में जो बंगाली हिंदू लोगों का एक वोट बैंक बनाने के लिए, जैसे कांग्रेस का इमिग्रेंट मुस्लिम लोगों का एक वोट बैंक है, ऐसे एक वोट बैंक बनाने के लिए उस लोग काम कर रहा है कि हिंदू बंगाली लोग, बांग्लादेशी लोग को उस लोग लाएंगे, आसाम में बैठाएगा और आसाम में बैठा के उस लोग को सिटीजनशिप दे के उस लोग का वोट बैंक बनाएगा। इसीलिए ये जो बीजेपी का जो ये तरीका है हम लोग नहीं मानेंगे। आसाम में 97 ट्राइब्स है और हर ट्राइब ने बता दिया कि हम लोग बीजेपी का ये जो डिजाइन है, कम्युनल फेसिज्म का जो डिजाइन है, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो डिजाइन है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग सब एकाथा होके, नेशनलिस्ट लोग आसाम का, लेफ्टिस्ट लोग, जितना एथनिक ग्रुप्स है, जितना लोग है ना, डेमोक्रेटिक जितना लोग है, सब लोग मिल के हम लोग बीजेपी को खिलाफ करेंगे, रेजिस्ट करेंगे और बीजेपी को आसाम से हटाएंगे। नागालैंड का साथ जो एग्रीमेंट के लिए उस लोग प्रस्तुत किया है, हम लोग इसको स्वागत किया हूँ और नागालैंड का जो वो जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो प्रॉब्लम है इसको ख़त्म होना चाहिए। इसको जल्दी से जल्दी अच्छा से डील करना चाहिए। ये हम लोग मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी नागालैंड को और ज़्यादा ऑटोनॉमी देना चाहिए। नागालैंड को जितना दे सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर उतना देना चाहिए, ये हम लोग मानता हूँ। लेकिन तो ये जो एग्रीमेंट किया है, सीक्रेटली जो एग्रीमेंट हो गया है, इसको ओपन करना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है जहाँ में नागालैंड का जो डिमांड है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का जितना जमीन का बात आ गया है, हम लोग ये जमीन छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। मणिपुर भी प्रस्तुत नहीं है, अरुणाचल भी प्रस्तुत नहीं होगा और हम लोग भी प्रस्तुत नहीं हूँ, आसामीज लोग भी प्रस्तुत नहीं है। इसीलिए जो रीजन को कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिजाइन है, इसको हम लोग अपोज कर रहा हूँ। हम लोग इसको अपोज करेंगे और जो ग्रेटर नागालैंड का उस लोग का जो कॉन्सेप्ट है, उस लोग का डिमांड था एक्चुअली सोशलिस्ट नागालैंड, लेकिन अभी ग्रेटर नागालैंड बना दिया गवर्नमेंट ने, ग्रेटर नागालैंड बना दिया।
हम लोग इसीलिए बोल रहा हूँ कि नागालैंड का जो टेरिटरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरी है, ये टेरिटरी में जो कुछ दे सकता है देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, हाथ खुल के देना चाहिए, लेकिन आसाम का जमीन का ऊपर कुछ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगा तो हम लोग नहीं मानेंगे। और हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कन्फ्यूजन बनाने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है उसको नहीं मानेंगे, ये बोल देता हूँ। और एक बात है कि वो जो जमीन का जो बात बता रहा है, अभी क्या हुआ मैंने देखा है, जो सुषमा स्वराज जी ने बोल रहा है कि आसाम ने नवजागरण आ गया है, रेनेसा आ गया है। तो जो सर्वानंद सोनोवाल जी आसाम का चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ने नवजागरण का लीडर है। अरे क्या नवजागरण आ गया है, जब बीजेपी आ गया पूरा कम्युनल फैसिज्म आ गया है। हम लोग का जो हारमोनी था, हिस्टोरिकली हम लोग हारमोनियसली बैठा था ना, ये ख़त्म हो चुका है, नंबर वन। नंबर टू, इतना दिन से थोड़ा सा जो डेवलपमेंट हुआ था, अभी बीजेपी आने के बाद हम लोग का डेवलपमेंट ख़त्म हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो स्टेटस था ये ख़त्म हो गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए जो NEIIPP बोल के जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी था, इसको भी बंद करा दिया। ये दूसरा चीज है। तो इसीलिए जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गया है, हम लोग के लिए फंड क्राइसिस बढ़ गया है। अभी क्या किया है, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, रास्ता नहीं बना रहा है, ब्रिज नहीं बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं किया है, लेकिन क्या कर रहा है, उस लोग अभी जमीन को, आसाम का जो जमीन, ये जमीन देने के लिए उस लोग क्या किया है, एक नया एक कैबिनेट डिसीजन ले लिया, बोला है कि आसाम का जितना नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे का आसपास का जो जमीन है, 1 किलोमीटर राइट साइड में, 1 किलोमीटर लेफ्ट साइड पे जितना जमीन है, ये जमीन कॉर्पोरेट को हाथ को देने के लिए क्या किया कि एग्रीकल्चरल जमीन ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल जमीन बन जाएगा। हम लोग मानना पड़ेगा कि 2013 का जो LARR है, फेयर कॉम्पेंसेशन एंड रिहेबिलिटेशन जो एक्ट है, इसको अमेंड करने के लिए उस लोग ट्राई किया था, ऑर्डिनेंस जारी किया था, 3 बार ऑर्डिनेंस किया, लेकिन उस लोग का ऑर्डिनेंस को खत्म हो गया, तो सपोर्ट नहीं मिला, लोकसभा में भी सपोर्ट नहीं मिला, राज्यसभा में भी सपोर्ट नहीं मिला। अभी क्या किया है, जब उस लोग ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का जो प्लान था, उस लोग एक्ट अमेंड करने का उस लोग का जो प्लान था, ये हट गया है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना कैबिनेट में डिसीजन लेके हम लोग का जमीन कॉर्पोरेट का हाथ में देने के लिए कोशिश किया है। इसीलिए हम लोग बोलता हूँ, वो जो रेनेसा बोलता है ना, ये रेनेसा नहीं है। तो आसाम का सबसे सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी है, जिसने हम लोग का जमीन कॉर्पोरेट का हाथ में देने के लिए, आसाम को बिकने के लिए, आसाम का रिसोर्स को बिकने के लिए, आसाम का मार्केट को बिकने के लिए काम किया है। इसीलिए आसाम का जो सबसे बड़ा गद्दार जो चीफ मिनिस्टर है ना, सबसे गद्दार चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी बनने के लिए जा रहा है। हम लोग का ऑल इंडिया का एक प्लान है कि अभी हम लोग देखता हूँ कि ऑल इंडिया जो पर्सपेक्टिव है, इसमें देखता हूँ कि जो ऑल इंडिया का जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उस लोग का काम नहीं है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ पाया, बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं लड़ पाया आज तक मैंने देखा है। अरविंद जी तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैंने देखा है कि अरविंद ने बीजेपी का जो इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका खिलाफ नहीं बोला है। अरविंद ने बीजेपी का जो फैसिस्ट पॉलिसी है, इसका खिलाफ नहीं बोला है। जो कम्युनल पॉलिसी है, इसका खिलाफ नहीं बोला है, उसका मुंह बंद कर दिया। तो इसीलिए हम लोग देखा है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज है, उस लोगों ने इसका खिलाफ नहीं बोल पाया। जैसे GST आ गया है, GST आने के बाद हम लोग का जो फेडरल जो इकोनॉमिक पॉलिसी था, ये खत्म हो चुका। स्टेट का जो इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेशन का जो ये था ना, जो मैकेनिज्म था, ये खत्म हो गया, अभी सेंटर का हाथ में चला गया। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग लड़ रहा था, इसको तो खत्म हो गया। तो लेकिन अरविंद ने नहीं
नहीं नहीं आवाज उठाया, ममता जी ने नहीं आवाज उठाया, तो राहुल ने इसके खिलाफ नहीं आवाज उठाया। छोटा छोटा बात बोला रहा है कि इसका जो रेट है 80% लगा दो, 28% नहीं होना चाहिए, लेकिन GST लगा के हम लोग का स्टेट का जो ऑटोनोमी, जो इकोनॉमिक ऑटोनोमी, फाइनेंशियल ऑटोनोमी था, ये खत्म कर दिया। इसका खिलाफ कौन बोला? लेकिन इसका खिलाफ मूवमेंट ग्रुप बोला है, जो फेसिज्म का खिलाफ हम लोग मूवमेंट का जो ग्रुप से, जैसे दलित लोग, सबसे अच्छा है कि वो दलित राज का एक नया दलित जो मूवमेंट का एक नया जमाना आ गया है। पहले ये दलित का जो मूवमेंट था ये सिर्फ आइडेंटिटी मूवमेंट था, अभी लेकिन जिग्नेश मेवानी आ गया है। जिग्नेश ने क्या हुआ है, दलित का जो मूवमेंट का साथ जमीन का जो लड़ाई इसको लगा दिया। तो जब जमीन का लड़ाई लगा दिया, इसीलिए ये जो दलित का जो आइडेंटिटी मूवमेंट, ये इकोनॉमिक मूवमेंट बनने के लिए अभी जा रहा है। दूसरा है जो भीम आर्मी है ना, भीम आर्मी लोगों का जो लड़ाई है, ये लोग इतना दिन जो दलित का लड़ाई था, ये लड़ाई से दूसरा है, क्योंकि दलित का साथ अभी मुस्लिम लोगों को भी एक कथा करने के लिए उस लोग का प्लान है। तो ये दलित का जो नया राजनीति आया है, आदिवासी लोगों का जो नया राजनीति आया है, नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल लोगों का जो नया राजनीति आया है, युवा का जो नया राजनीति आया है, महिला का जो नया राजनीति आया है, और असम और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों का जो नया राजनीति आया है, सबको एक कथा करके हम लोग एक थर्ड विकल्प बनाने के लिए, थर्ड अल्टरनेटिव बनाने के लिए, और अच्छा जनगण का एक अल्टरनेटिव, जनता का अल्टरनेटिव, पीपुल्स अल्टरनेटिव बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए काम कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट का पूरा जिम्मेदारी मैंने ले लिया, हम लोग सब मिल के, नॉर्थ ईस्ट लोग मिल के हम लोग BJP और RSS का जो प्लान है, इसका खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और ऑल इंडिया का जो यूनिटी अभी आ रहा है, जैसे जिग्नेश मेवानी है और जो लीडर्स लोग है, ये आ रहा है, हम लोग एक साथ मिल के एक नया अल्टरनेटिव बनाने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा है कि जो असम ने देख लीजिए, जो डैम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसका खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। हम लोग का जमीन कॉर्पोरेट का हाथ को देने के लिए जो कोशिश कर रहा है, इसका हम लोग इसका खिलाफ करेंगे। हम लोग का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट को हटा दिया, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, लड़ेंगे, और लड़के हम लोग उससे जो हम लोग का अधिकार है, हम लोग का जो अधिकार हम लोग छीन लाएंगे। हम लोग का इतना दम है, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग रेजिस्ट करेंगे, और BJP RSS को नॉर्थ ईस्ट से हम लोग भगाएंगे। Thank you, Akhil Gogoi, for Thank you.